डायनासोर्स। आज से करीब 65 मिलियन साल पहले एस्ट्रॉइड कोलिजन की वजह से एक्सटिंक्ट हुए थे। 15 अगस्त साल 1947 के दिन हमारा भारत देश अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। और आज से करीब 7500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई थी। अब देखो, ये सब कुछ इतिहास के उस पहलू का हिस्सा है जिसे हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि या तो इन चीजों को हमारे पूर्वजों ने अलग अलग राइटिंग और स्क्रिप्चर्स में रिकॉर्ड करके रखा था, या फिर हमें अलग अलग जगहों पर रिसर्च करते समय कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले या ऐसे पुरातात्विक अंश मिले जिन्हें देख कर किसी मेजर घटना के घटने का पता चल पाए। अब दोस्तों, देखा जाए तो आज की टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों को एग्जैक्टली बहुत कुछ पता है। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि धरती की शुरुआत से लेकर आज तक हर साल धरती में कितना बदलाव देखा गया है और यहाँ पर क्या क्या चीजें किन किन घटनाओं की वजह से हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती के इसी इतिहास से करीब 1 अरब साल यानी कि 1 बिलियन ईयर्स का लेखा जोखा गायब है। जी हाँ, ब से बकरी वाला बिलियन। ये गड़बड़ है बाबा। और देखो, ये दावा मैं नहीं कर रहा बल्कि नेचर जर्नल, बीबीसी और ऐसी सैकड़ों क्रेडिबल वेबसाइट ने ये सब खुद लिखा हुआ है और जिसके आगे हमें कोई सबूत देने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि उस 1 अरब साल में ऐसा क्या हुआ कि आज के इतिहास में उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और उस दौर में घटे घटनाक्रम को पता लगाने का कोई जरिया ही नहीं बचा। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर किसी दूसरी सभ्यता ने जानबूझकर अपने अवशेष धरती से मिटा दिए ताकि हम उनके बारे में ना जान सके। वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स समझने होंगे जिससे आपको ये समझ आएगा कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्च सिर्फ गहराई देखकर ही कैसे बता सकते हैं कि कौन सी चीज या कौन सा फॉसिल कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। दरअसल देखो, जब भी किसी चीज को धरती की ऊपरी सतह पर रखा जाता है या कुछ मीटर नीचे गाड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे डस्ट, विंड और ऐसे ही छोटे मोटे पार्टिकल्स समय के साथ साथ धरती पर घटने वाली नॉर्मल प्रोसीजर के तहत उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर बना देती है और हजारों लाखों साल बाद एक के बाद एक डस्ट और छोटे मोटे पार्टिकल्स की मोटी परत जमने के कारण वो ऑब्जेक्ट निचली परत में दबता चला जाता है। मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए तो इस प्रोसेस को डिपोजिशन के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि डिपोजिशन एक एवरलास्टिंग प्रोसीजर होती है इसलिए एक परत के ऊपर दूसरी परत समय के साथ साथ बनती चली जाती है और एक समय काल की आउटर मोस्ट लेयर कुछ मिलियन सालों बाद नीचे इकट्ठा हो जाती है। अब देखो, यहाँ पर कैच ये है कि बिना आउटर एनवायरनमेंट के एक्सपोजर की वजह से जो चीजें नीचे दब चुकी है ना, वो लेयर के अंदर बहुत ज्यादा हलचल नहीं कर पाती और छोटे छोटे पार्टिकल्स बिना किसी एक्टिविटी के इतने ठोस हो जाते हैं कि वो सेडिमेंट रॉक्स का रूप ले लेते हैं। अब इस प्रोसेस को कहते हैं सीमेंटेशन। अब देखो, हर समय काल की लेयर्स अलग अलग दिखती है, जैसे उसका कलर अलग हो सकता है, उसकी स्टिफनेस में भी डिफरेंस आ सकता है, उसकी चौड़ाई अलग हो सकती है और ऐसी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। वे कई बार कुछ टाइम पीरियड्स की लेयर नहीं बन पाती या पत्थरों के बीच मिट जाती है। जैसे कि मान लो अचानक बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक इलाके में बाढ़ आने लगता है तो वहां पर सॉइल को प्रॉपरली सेट होकर लंबे समय तक सीमेंटेशन को करने का समय ही नहीं मिलेगा, जिस वजह से ऊपर वाली परत कभी जम ही नहीं पाएगी। अब ये बात तो अलग है, इसके साथ ही साथ इसके नीचे की सेमी सीमेंटेड लेयर भी इरोड होकर डिस्टॉर्ट हो जाती है और चूंकि इस वजह से यहाँ पर अगली लेयर का डिपोजिशन ऐसे में कई सालों के बाद ही शुरू हो पाता है, इसीलिए लास्ट सीमेंटेड लेयर और इस न्यूली सीमेंटेड लेयर के बीच इस सिग्निफिकेंट गैप को जियोग्राफी की भाषा में अनकन्फर्मिटी के नाम से जाना जाता है और उस मिसिंग टाइम पीरियड को हियाटस कहते हैं। अब दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आप इन कुछ इमेजेस को स्क्रीन पर देख सकते हो। अब दोस्तों, अगर हम लोग धरती की बात करें तो ये एक बहुत ही एक्सटेंसिवली एक्टिव प्लैनेट है जहां इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सरफेस पर हलचल होती ही रहती है, जिस वजह से यहाँ ऐसे 50 से 100 मिलियन के अनकन्फर्मिटी और हियाटस का दिखना बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ये हियाटस ही इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं कि किसी के पास बोलने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। अगस्त 1869 में जब सेल्फ टॉट जियोलॉजिस्ट
जॉन वीजली पॉवेल ग्रैंड कैनियन का एक्सपीडिशन करने पहुंचे तो एक चट्टान को निहारते हुए उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ग्रैंड कैनियन की एज और यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए वर्टिकल क्रिस्टलाइन रॉक्स की लेयर्स को काउंट करते वक्त उनके सामने मौजूद चट्टान की ऊंचाई करीब 10,000 फीट होनी चाहिए थी, क्योंकि बिलियंस ऑफ ईयर्स से लोकेटेड होने के कारण उस चट्टान में इतनी हाइट कवर करने तक की लेयर्स तो बंद ही जानी चाहिए थी। मगर उस पूरी चट्टान को मेजर करने पर उसकी चौड़ाई सिर्फ 500 फीट तक ही नापी जा रही थी। अब ये बहुत ही हैरान कर देने वाला डिफरेंस था, क्योंकि देखो 1000 से 2000 फीट को हम लोग किन्हीं भी कारणों से इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन 9000 फीट की लेयर का मिस होना हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर देता है। और प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ऐसा ही कुछ आंकड़ा सामने भी आया। इस वक्त आप इस इमेज में दो अलग अलग लेयर्स को एविडेंटली देख रहे हैं। उसमें से नीचे वाली लेयर जहां आज से करीब 1.7 बिलियन साल पहले बनी थी, तो वहीं उसके ऊपर वाली लेयर की संरचना 550 मिलियन ईयर्स पहले ही हुई थी। और अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो इसका सीधा सा मतलब यह निकलता है कि इन दोनों टाइम पीरियड्स के बीच के करीब 1.2 बिलियन सालों का इतिहास इस जगह पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब ये बात इतना बड़ा हवा ना बनती, लेकिन जब आसपास के कैनियंस को देखा गया तो वहां पर भी 700 मिलियन से 1 अरब साल की सीमेंटेड लेयर गायब थी। आसपास ढूंढने पर भी जब स्पेसिफिकली उस टाइम पीरियड की कोई भी लेयर देखने को नहीं मिली, तो वैज्ञानिक समझ गए कि उस टाइम पीरियड में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसने अपने इतिहास को जमीन पर पनपने ही नहीं दिया। एंड दैट्स वाई दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट अनकन्फर्मिटी। अब 1 अरब सालों के सबूत का दुनिया की सतह से पूरी तरह से मिट जाना कोई आम बात नहीं थी, और जिस वजह से लोग इसे एक्सप्लेन करने के लिए उस दौर में घटने वाले अलग अलग इवेंट्स को खंगाल कर इस जगह से उस इवेंट का कनेक्शन स्टैब्लिश करने लगे, ताकि उन्हें इस बात का जवाब मिल सके कि आखिर उन 1 अरब सालों में ऐसा क्या हुआ कि उस टाइम पीरियड में टेरिटोरियल फॉसिल्स क्रिएट ही नहीं हो पाए। अब दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी सुपर कॉन्टिनेंट के डूब जाने के कारण हुआ, मगर इस दावे के पीछे जो लॉजिक दिए गए वो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहे थे, जिस कारण इस रीजन पर ना ही गौर करो तो ज्यादा बेहतर है। ऐसी ही बहुत सी इलॉजिकल थियरीज हमें इस मामले की रिसर्च करने पर मिली, लेकिन एक थियरी जो हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट लगी वो थी द स्नोबॉल अर्थ इफेक्ट। अब दोस्तों, कुछ एविडेंसेस के हिसाब से आज से करीब 717 मिलियन साल पहले धरती की सरफेस पूरी तरह से जमने लगी थी, जिसमें एक बीचन अर्थ का हुलिया ऐसा दिखने लगा था जैसे कि स्पेस में किसी ने अर्थ की जगह कोई स्नोबॉल रख दी हो। अब इसी मेजर ग्लेशिएशन की वजह से धरती के अंदर होने वाली एक्टिविटीज काफी हद तक कम हो गई थी। अब अगर हम लोग ऐसा अज्यूम करें कि उस एरिया में भी ग्लेशिएशन ने अपने एक्सट्रीम लेवल पर इफेक्ट किया होगा, तो ना सिर्फ बीच के उन 200 मिलियन सालों में किसी भी तरह के डिपोजिशन प्रोसीजर और सीमेंटेड लेयर बननी बंद हो गई होगी, बल्कि जब 200 मिलियन साल बाद बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से अचानक बढ़ने वाले वाटर फोर्स ने पहले की भी सीमेंटेड लेयर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी फ्लूइडिटी की वजह से इरोड करवा दिया। मतलब जो पहले से भी सीमेंटेड हो चुका था ना, उसको भी वहां से हटा दिया गया। अब देखो, कॉमन सी बात है कि करोड़ों सालों से जमी हुई बर्फ की इतनी मोटी परत जब पिघली होगी तो इतना ज्यादा पानी तो निकलेगा ही कि उसके अचानक मेल्ट होने की वजह से सैकड़ों फीट जमीन बह जाए, और इस मेल्टडाउन ने विदाउट ए डाउट एक अच्छी खासी फ्लड को हर हाल में इनिशिएट किया ही होगा। एंड दैट्स व्हाई ना सिर्फ ये एंगल इस चीज का सेंस बनाता है कि हमें 700 से 500 मिलियन साल के बीच का कोई डिपोजिशन क्यों नहीं देखने को मिला, बल्कि इस बात का भी एक काइंड ऑफ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे देता है कि उसके पहले की परत पर इतना भी क्या दबाव पड़ गया कि वो एग्जिस्टेंस से आखिर इरेज ही हो गई। अब 100 बात की एक बात यह है कि यहाँ पर कोई मिस्टीरियस घटना नहीं घटी, बल्कि बर्फ के पिघलने के बाद पानी के फोर्स की वजह से एक बहुत बड़ी सेडिमेंट लेयर नॉर्मल सॉइल की तरह इरोड होकर बह गई। एंड दैट्स इट। और ऐसे कुछ फैक्टर्स की वजह से हम आज इस जगह पर द ग्रेट अनकन्फर्मिटी देखने को मिलता है। अब दोस्तों, यहां तक वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देकर जाओ कि अनकन्फर्मिटी और हिएटस में क्या डिफरेंस होता है। अब जिसने वीडियो पहले ही ध्यान से देखा होगा उसे इसका आंसर पता ही होगा, और देखो सही जवाब देने वाले को कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल सकता है, तो अपने अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।